तो यूजर फॉर्म के जरिए हम डेटा एंट्री कराना चाहते हैं, ये सारी डेटा एंट्री हमारी हो फॉर्म के माध्यम से। और फॉर्म के माध्यम से क्यों करवाना चाहते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो फॉर्म के माध्यम से कराने से कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर नहीं, मान लीजिए सीरियल नंबर या फिर एक यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर छोड़ लीजिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। डेट एंड टाइम जब मैं जिस दिन सबमिट कर रहा हूँ उसके दिन के हिसाब से होना चाहिए। तो बहुत सारे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, इसलिए हम इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूजर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ इंसर्ट में आते हैं, यूजर फॉर्म को अपने हिसाब से रिसाइज करते हैं और यहाँ पे अपना फील्ड क्रिएट करते हैं जो कि यहाँ पे है नेम। टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए ले रहे हैं, और इससे पहले हम यहाँ पे नहीं, इस सेल नंबर के लिए ना, यहाँ पे इसमें चेंज कर देते हैं, गलती कर दी है, सीरियल नंबर। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट एंड टाइम आना चाहिए, डेट, और यहाँ हम देते हैं टाइम, नीचे करते हैं। और यहाँ पे टाइम मैंने आपके हम लिखे हैं, तो डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा डिजाइन करें, और डिजाइनिंग के लिए देना होता है टाइम, ध्यान रखिएगा, सिटी, मोबाइल नंबर, हो गया। एंड लास्ट एक हमारा अमाउंट, अब इसको थोड़ा सा एक करना है, एक सीध में करना है, सेलेक्ट किया, और इसको यहाँ हम फॉर्मेट में आते हैं, अलाइन में आते हैं, और लेफ्ट से इसको अलाइन कर देते हैं ताकि एक सीध में आ जाना चाहिए। और सेम इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी फॉर्मेट में आते हैं, और यहाँ से हम इसको लेफ्ट से अलाइन करते हैं, एक सीध में आ गया। अब ये क्या है कि इसमें देखिए बीच में मोटा है कोई पतला है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं, मेक ए सेम साइज, विड्थ चाहिए या हाइट चाहिए या बोथ चाहिए,
हाइट में नेम बड़ा हो सकता है, इसे हाइट नहीं रखना, विड्थ रखना है हमें, मतलब कि ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका सारा सेम साइज मिलेगा। अब हमने बटन लिया, एक बटन देते हैं आपके हम सबमिट का, सबमिट सबमिट, और दूसरा बटन यहां हम देते हैं क्लियर का। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा ऐड होना चाहिए। यूजर फॉर्म ऊपर जो लिख रखा है उसके जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है, डेटा एंट्री फॉर्म राइट। तो हमने डेटा एंट्री फॉर्म को नाम दे दिया, समझ गए सर। अब इसे कोडिंग करते हैं, तो मैं यहां सबमिट बटन पे डबल क्लिक करूंगा, और सबसे पहले तो मुझे इसकी मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर। तो n इक्वल टू, हम डायरेक्टली मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि मैक्स डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है वीवी को, इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में देंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और यहां पर देते हैं शीट, कौन सा शीट थीम है, शीट वन, शीट वन डॉट रेंज ए से लेके पूरा ए। तो ए क्या करेगा कि इस शीट की मैक्सिमम वैल्यू को निकालेगा, फिर m इक्वल टू कर दिया m प्लस वन राइट। ऐसे हमारे पास t है, टाइम फॉर t, तो क्योंकि नाउ फॉर्मूला डेट एंड टाइम दोनों देता है और डेट फॉर्मूला सिर्फ डेट देता है, तो टाइम चाहिए, तो एक्सेल में हमारे पास नाउ का फॉर्मूला होता है, तो क्या करते हैं, नाउ फॉर्मूला से डेट एंड टाइम आया तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं राइट, टाइम का फॉर्मूला, माफ कीजिए टाइम नहीं, टेक्स्ट का फॉर्मूला, और इसमें से हम लोग डी 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 करके टेक्स्ट को अलग कर देते हैं, सॉरी डी 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 नहीं है, गलत हो रहा है, एच एच एम एम एस एस, वो बिजली फास्टिंग पे होना सर, तो कहा जाते हैं ना भूखे वजन नहीं हो तो गोपाला, वो वाली बातें हो गई है, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो टेक्स्ट की जैसा हमारे पास फॉर्मेट है, हेलो जी, बोलिए क्या पूछना है, ठीक है, टाइमिंग से सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे के बीच में एक सुटेबल टाइम आपको लेना पड़ेगा, और आप वीकेंड्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक काम कीजिए, मेरी वेबसाइट iptia.com पे जाएं, वहां पे मेरे कोर्स डिटेल्स सैंपल वीडियोज एंड वहीं पे आपको डेमो क्लासेस का फॉर्म मिल जाएगा, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरी, एक दो क्लास डेमो लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, iptindia.com याद रहेगा, मैसेज कर दूं।
नहीं, मैं पहले बता दूं कि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग खुद समवन कंपनी में काम करते हैं और हम आपकी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, रिमोट शेयरिंग सिस्टम्स है हमारी जो क्लास, तो इससे हमारा एक टाइम कैलकुलेट हो गया, राइट। सर यहाँ पे यस होगा। क्या? हाँ माफ कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट में फॉर्मेट में एसएस। एसएस होगा, सही बोला सर, कॉल एसएस। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि शीट, इसके अंदर में शीट का नाम जो भी आपका शीट नेम है, डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सल आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम। ठीक है, अभी क्या हुआ, मतलब सीट पे जाए ए 65,000 है ना, 65,000 पे जाए, उससे ऊपर बढ़ेगा क्योंकि मुझे एक के नीचे ही एक चाहिए ना, तो ऊपर जाए, ऊपर से एक नीचे आए, यहाँ पे एम, एम कौन है, यहाँ कि जो मैक्सिमम प्लस वन, मैक्सिमम क्या होगा, लास्ट यूनिक नंबर प्लस वन मतलब नेक्स्ट यूनिक नंबर, उसकी एंट्री कर रहे हैं। और सेम इसको हम कॉपी करते हैं तो पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1,0 हो जाएगा, यहाँ ऑन हो जाएगा, मतलब कि अब यहाँ हमारे लिए यूनिक नंबर वन डाल दिया, तो जो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बोलता हूँ नीचे मत आओ आगे बढ़ जाओ, तो ऑफसेट के अंदर में ये रो होता है, एक कॉलन होता है, तो रो हमने 0 बढ़ा कि रो आपको नहीं बढ़ना है, और हमने आपको कॉलन कर दिया कि भाई कॉलन बढ़ा दो, कॉलन को बढ़ा दो, तो इसने कॉलन को बढ़ा दिया, राइट। और यहाँ एम के जगह पे हो जाएगा डेट, डेट एक फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट देता है। सेम इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे 1 के जगह हो जाएगा 2 और डेट के जगह हो जाएगा टी मतलब कि टाइम। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा तीसरा, अब यहाँ पे हो जाएगा मी डॉट टेक्स बॉक्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, राइट। ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो आपका डेट, ये आपका टाइम, चौथा हो जाएगा डॉट वैल्यू, पेस्ट। पांचवा नंबर, ये चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिटी, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पांचवा, ये हो जाएगा छठा मोबाइल नंबर, ये आपका हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पे छठा और यहाँ पे सातवा, कोडिंग हमने कर दी। ठीक है, अब जो अब प्रॉब्लम आती है जब मैं इसको प्ले करूं तो यहां पे ये चीजें आनी चाहिए, तीनों चीज आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। देखिए फंक्शन, देखिए फंक्शन यहाँ पे अपडेट ये नाम से, और यहाँ पे सेम करेंगे, राइट। और मी डॉट टेक्स वर्क्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम, मी डॉट
text box 2 dot value equal to date. Me dot text box value 3 equal to t. Value equal to t. ठीक है सर. अब फंक्शन में क्यों लिया ये आपको थोड़ी देर में आपको समझाते हैं. फंक्शन में लेने का क्या रीजन है. अब मैं चाहता हूं कि यूजर फॉर्म रन हो. जैसे मेरा यूजर फॉर्म रन हो ये चीजें यहां आनी चाहिए बाय डिफॉल्ट. तो हम यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं. यहाँ क्लिक के जगह पे इनिशियलाइज. इनिशियलाइज में हमें ये जो फंक्शन हमने बनाया है हमने कहता हूँ डी इक्वल टू अप. अप नाम के फॉर्मूले को अपडेट अप फॉर अपडेट को अपडेट कर दिया. तो जैसे प्ले करूंगा यहाँ पे तीनों आ गया. अब तीनों चेंजेबल है. मैं चाहता हूँ कि चेंजेबल ना हो. हम इस पे चेंजिंग टाइप करते समय चेंजर से ये ऑटोमेटिक हो ये चेंजेबल ना हो. राइट right? तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए इसको डिसेबल करना पड़ेगा. तो डिसेबल करने के लिए क्या करना है कि इस पे कर्सर रखिए. कोड के जरिए भी कर सकते हैं या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. यहाँ आपको यहाँ पे अनेबल दिखेगा कहीं पे या खोजने से अच्छा है कि कोड से भी कर सकते हो आप. इसके लिए भी आप चाहो तो ऑप्शन बना सकते हो ताकि हम कॉल कर सकें आगे इसकी जरूरत हो सकती है. तो फंक्शन डिसेबल डिसेबल डीटी के नाम से डिसेबल ट्रू चाहे नहीं. हाँ डीटी एन एज ए फुले और ये स्पेलिंग फंक्शन की गलत है. अब यहाँ पे देंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट डॉट अनेबल अनेबल इक्वल टू एन. मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट अनेबल equal to n. me dot text box 3 dot enabled equal to also n. और ऊपर user form slide में मैं करता हूँ again k equal to dt dt और इसके अंदर मैं देता हूँ false True, false है. तो false करते disable हो जाएगा. आप देखिए क्या होगा जैसे मैं इसको प्ले करूंगा. चलिए जैसे इसको प्ले करूंगा तो ये डिसेबल हो गया. यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया. अब यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा. हाँ संदीप जी क्या बोल रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको. अजय जी मेरी वॉइस आ रही है आपको. हाँ जी सर वॉइस तो आ रही है. स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रहा है. हाँ स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है. संदीप जी देखिए आपके एंड से प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे हो गया. अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे डला चल जाएगा. जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ. 1 डाल रखा फालतू का. तो यहाँ पे मैं डालता हूँ मान लीजिए पूजा. फिर मैंने दे दिया दिल्ली. मोबाइल नंबर 8802579388 एंड अमाउंट में 2500 डाल के सबमिट करता हूँ. तो सम फंक्शन नॉट डिफाइंड. एंड सब
ओ यहाँ यहाँ हमने कॉमा दे दिया, गलती हो जाती है। धनवाद जी क्या हुआ, आपको नजर नहीं आया कि यहाँ डॉट होना चाहिए था? हाँ देखिए यहाँ पे एंट्री तो हो गई, बट ये दो चीजें, यहाँ सीरियल नंबर 1 के 1 ही रह गया, 2 नहीं हुआ, टाइम भी हमारा चेंज नहीं हुआ और 1 क्लियर नहीं हुआ और कोई मैसेज नहीं आया। तो चलिए इसके लिए करते हैं। तो अभी जैसे कि मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट करना है ना, तो जो आपका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है यहाँ नीचे डाल देंगे। हेलो, ओ सॉरी सर, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था, माफी चाहूंगा सर। मेरा वाईफाई मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था सर, पावर फ्लक्चुएट हुई नहीं, रीस्टार्ट हो गया था। तो ओके यहां पे मैं करता हूँ सेम के इक्वल टू अप, इसके लिए अपडेट की। तो फंक्शन यूज करने का फायदा क्या हुआ कि अगर फंक्शन यूज करने का फायदा ये हुआ कि अगर मैं फंक्शन इस्तेमाल नहीं करता तो इस कोड को मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता और हमें लिखना पड़ता यहाँ इनिशियलाइज में, दो जगह। तो मैंने एक जगह फंक्शन बना दिया, हमने यहाँ भी इसको कॉल कर लिया और हमने ऊपर भी इसको कॉल कर लिया। तो अब ये हो गया कि अपडेट हो जाएगा मेरा सीरियल नंबर डेट टाइम। अब दूसरा आता है हमें क्लियर भी करना है, तो हम क्लियर के लिए भी एक फंक्शन नीचे बना लेते हैं कि फंक्शन क्लियर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसको इसको क्लियर करना है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 नहीं 3 4 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक।
मी डॉट टैक्स वर्क्स फाइल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट टैक्स वर्क्स सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक एंड ई डॉट टैक्स वर्क्स सेवन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे सीएल को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स के साथ MSG box, यहाँ पे देते हैं कि data has been saved, और फिर यहाँ पे और k equal to कर देते हैं यहाँ पे here, bracket open and close, right? अब इसको हम play करते हैं, अब यहाँ देते हैं नेहा सिटी में पटना, मोबाइल नंबर और अमाउंट में हम दे देते हैं जो भी हमारा अमाउंट है एंड सबमिट। डेटा हैव बीन सेव एंड ओके, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए नया डेटा टाइम इंसर्ट हो गया। नया सर बट इसमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कंफर्मेशन मतलब कि होता है कभी भी गलती से क्लिक हो गया क्या, कभी कभी हो सकता है गलती से क्लिक हो जाए, क्या सर? तो उसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए, कैसे करेंगे? यहां पे सबसे ऊपर से ऊपर यहाँ होगा हेलो संदीप जी, अजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। अब यहाँ पे देंगे एम इक्वल टू यहाँ देंगे एम एस जी बॉक्स और बाइक एम एस जी होगा ना मैसेज बॉक्स एम एस जी बॉक्स, हम पता है क्या कर रहे हैं संदीप जी, हम कंफर्मेशन दे रहे हैं। सनवार जी मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। संदीप जी को नहीं आ रहा है, चल दी संदीप जी को कि मैं हेडफोन चेक कर लेंगे। यू वन टू सेव दिस डेटा और यहाँ पे बटन्स क्या होगा, बटन्स होगा यस एंड नो और टाइटल देता हूं कि प्लीज कंफर्म, राइट। अब यहां कंडीशन होगा कि इफ एम इक्वल टू वी नो देन एग्जिट, क्या हुआ मैंने बोला कि जैसे रन होगा तो एक मैसेज बॉक्स आएगा उसमें यस एंड नो लिखा होगा, यस एंड नो, यस पे क्लिक करेगा तो नीचे प्रोसीजर को फॉलो करने देगा, नो पे क्लिक करेगा तो यही से सब्जेक्ट को एग्जिट कर देगा मतलब ये मैक्रो को फिनिश कर देगा और नीचे के जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने देगा, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा सिटी
नोएडा, फाइल नंबर एंड अमाउंट में हम अपना अमाउंट डाल देते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ड्यू ऑन टू सेबी, यस पे क्लिक करेंगे तो डेटा को सेव करेगा, नो पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे जैसे कदर समझेगा। अगेन सबमिट भी किया, यस पे क्लिक किया तो डेटा है बीन सेव्ड, ओके आपका डेटा सेव हो गया। ठीक है अजय जी, अब बात करते हैं कि फॉर्म को लाया कैसे जाए। फॉर्म हमने बना लिया तो इसको वापस लाया कैसे जाए, वापस मत की इस पे, क्योंकि हमेशा मैं यहां से प्ले कर रहा हूँ विजुअल बेसिक में जाके, तो क्या हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, दो चीज है, इवेंट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सीट वन पे एक्टिवेट हो, मतलब सीट वन पे जाऊं मुझे फॉर्म आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सीट वन पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्टिवेट, और यहाँ पे बस उस यूजर फॉर्म का नाम दे, यूजर फॉर्म वन, राइट। और यहाँ पे जैसे मैं सीट वन से यहाँ पे आऊँ, यूजर फॉर्म माफ कीजिए, यूजर फॉर्म वन डॉट शो होगा, माफ कीजिएगा, शो, डॉट शो, मैं इसको प्ले करूँ, आ गया, ठीक है सर। ऐसे किसी मैक्रो पे, किसी बटन पे, शॉर्टकट पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइल्स मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, आप लोग साथ इसको एनालाइज कीजिएगा, और इस फॉर्म में हम कल बताएंगे आपको एडिट करना कि कैसे इसमें हम अपनी खुद की एडिटिंग करें। ठीक है, तो अजय जी कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आया। ठीक है, नहीं नहीं सर आया है।